तो बेल्ट एंड बेल्ट ड्राइव सिस्टम, इसका हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या बेसिक एप्लीकेशन हुए। जैसे कि हम लोग पता है कि बेल्ट इज़ अ कंटिन्यूस बैंड ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल पासिंग ओवर अ पुलीज टू ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन स्टॉप टू अनदर। जनरली क्या कर रहे हैं हम लोग, बेल्ट हमारा एक कंटिन्यूस बैंड होता है जो कि फ्लेक्सिबल मटेरियल पासिंग ओवर अ पुलीज टू ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन शॉफ्ट टू अनदर, एक शॉफ्ट से दूसरे शॉफ्ट में मोशन ट्रांसफर के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं बेल्ट सिस्टम। बेल्ट जो होती है बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्री तरह से वो क्लासीफाइड किया गया है। पहला कि आप देख सकते हैं विद अ नैरो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन फ्लैट बेल्ट, दिस वन इज द फ्लैट बेल्ट। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह की क्रॉस सेक्शनल व्यू जो है इसका डिज़ाइन है। तो ये हमारा जो होगा वो फ्लैट बेल्ट होगा, फर्स्ट वाला फ्लैट बेल्ट विद अ ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं वी बेल्ट एंड मल्टीपल वी बेल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी आपका 7.35 का सेकेंड और ये फोर्थ, ये हमारा क्या कहलाते हैं कि वी बेल्ट है। यानी ये जो है ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन वी बेल्ट है और ये हमारा जो है मल्टीपल वी बेल्ट सिस्टम है। और दिस वन इज द हमारा है जो थर्ड डायग्राम है, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है राउंड बेल्ट। तो यानी बेल्ट जो होंगे कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास, फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट, मल्टीपल बेल्ट एंड राउंड बेल्ट। फ्लैट बेल्ट की बात कर ले तो फ्लैट बेल्ट जनरली क्या होते हैं यूज फॉर मशीनरी फॉर आर फ्लैट एंड वी बेल्ट। मशीनरी हम लोग बेसिकली यूज करते हैं फ्लैट और वी बेल्ट सिस्टम, जो कि यहाँ पे आपने डायग्राम में देखा कि फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट का डायग्राम यानी क्रॉस सेक्शनल व्यू जो है वो कैसा है। फर्दर आगे देखते हैं यहाँ पर, तो फ्लैट बेल्ट की बात करते हैं अगर, तो फ्लैट बेल्ट आपको यहाँ पर दिखता है फ्लैट बेल्ट आर यूज टू फॉर देयर सिंप्लिसिटी एंड बिकॉज ऑफ दे आर सब्जेक्टेड टू मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑन द पुली। तो यहाँ पर अगर हम फ्लैट बेल्ट यूज कर रहे हैं तो एक तो ये सिंपलिसिटी है, बहुत ही सिंपल यूज है, और साथ ही साथ ये क्या है कि मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस ऑन द पुली प्रोवाइड करता है और द लोड कैपेसिटी जो होती है फ्लैट बेल्ट की वो वेरी होती है बाय वेरिंग देयर विड्थ हो गया और एंड ओनली वन इज यूज फॉर ईच ड्राइव। दे आर मेड फॉर लेदर के यूज कर सकते हैं हम लोग, रबड़ के यूज कर सकते हैं, टेक्सटाइल और बाल्टा एंड स्टील, दीज आर द मेड फॉर लेदर रबर टेक्सटाइल बाल्टा एंड स्टील। ये हमारे क्या है फ्लैट बेल्ट है। फ्लैट बेल्ट का यूज जो हम लोग करते हैं बेसिकली सिंप्लिसिटी एंड बिकॉज ऑफ देयर सब्जेक्ट टू मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑन द पुली। लेदर बेल्ट जो होती है जनरली क्या होती है, लेदर बेल्ट हैव द बेस्ट पुलिंग कैपेसिटी। लेदर बेल्ट में क्या होता है बेस्ट पुलिंग कैपेसिटी होती है बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ लेदर। बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ लेदर दे आर यूज वेरी रेयरली, क्योंकि काफ़ी हद तक कॉस्टली पड़ जाती है तो इसका हम लोग कम यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो होती है यानी बेस्ट पुलिंग कैपेसिटी होती है। रबर बेल्ट जो होते हैं मेड ऑफ रबड़ और कॉटन डक्स बेस आर यूज फॉर बेल्ट इज एक्सपोज टू वेदर आर स्टीम एज दे डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। यूज कर रहे हैं बिकॉज ये क्या करते हैं एब्जॉर्ब नहीं करते हैं मॉइस्चर को, डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर सो रियडली एज लेदर, दे गेट डिस्ट्रॉयड इफ केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद ऑयल या ग्रीस। तो दे आर गेट डिस्ट्रॉयड इफ केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद ऑयल या ग्रीस सिस्टम से। तो रबर बेल्ट बेसिकली क्या होती है, रबड़ की बनी होती है या कॉटन टक की यूज करते हैं और वेयर जब बेल्ट इज एक्सपोज टू वेदर या स्टीम एज दे डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर सो रेयरली यूज एज अ लेदर। टेक्सटाइल बेल्ट आर मेड ऑफ कॉटन एंड यूज फॉर रफ एंड शॉर्ट सर्विसेज के लिए यूज करते हैं। टेक्सटाइल बेल्ट आर मेड ऑफ कॉटन एंड आर यूज फॉर रफ एंड शॉर्ट सर्विसेज के लिए। बाल्टा बेल्ट क्या है, बाल्टा बेल्ट आर द एसिड्स एंड वाटर प्रूफ एंड कैन नॉट बी विदस्टैंड टेम्परेचर हायर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो बाल्टा बेल्ट क्या है आर एसिड्स एंड द वाटर प्रूफ है और ये कैन नॉट विदस्टैंड कर सकते हैं टेम्परेचर हायर देन 100 डिग्री सेल्सियस तक। स्टील बेल्ट क्या है, स्टील बेल्ट आर क्लेम्ड टू ट्रांसमिट मोर हॉर्स पावर पर सेंटीमीटर विड्थ और टू रिमेन अनइफेक्टेड बाय डैम्पनेस या हीट एंड बी इम्यूनी फ्रॉम स्ट्रेचिंग या स्लिपिंग सिस्टम। द पुलीज ऑन विच दे आर माउंटेड डू नॉट लीव कैम्बर और स्टील बेल्ट आर समटाइम्स यूज फॉर द बेल्ट बींग सब्जेक्टेड टू कंसिडरेबल इनिशियल टेंशन टू मेंटेन द प्रेशर ऑन द पुली ऑन विच द फ्रिक्शन डिपेंड्स। स्टील बेल्ट क्या है, स्टील बेल्ट आर क्लेम टू ट्रांसमिट करना मोर हॉर्स पावर पर सेंटीमीटर वेट, यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्स पावर क्या करेंगे हम लोग ट्रांसमिट कर पाएंगे पर सेंटीमीटर वेट के हिसाब से, और ये जो होगा वो अनअफेक्टेड होता है बाय डैम्पनेस हो गया या हीट हो गया या इमरिंग फ्रॉम स्ट्रेचिंग हो गया स्लिपिंग सिस्टम से। ये जो पुलिस होती है विच दे आर माउंटेड ऑन डू नॉट हैव अ कैम्बर की
एंड स्टील बेल्ट आर समटाइम यूज फॉर बेल्ट बींग सब्जेक्टेड टू कंसिडरेबल इनिशियल टेंशन टू मेंटेन द प्रेशर ऑन द पुली ऑन विच द फ्रिक्शन डिपेंड्स। बेसिकली नोट्स क्या है इसके लिए, नोट्स ये कहता है कि जो पुली ऑफ द फ्लैट बेल्ट्स का है इज मेड फॉर कॉन्वेक्स एट द सेंटर होना चाहिए, और इसका जो बेसिक फीचर्स है पुली का वो कहलाता है कैम्बर या क्राउन एंड ड्यू टू द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बेल्ट इज प्रिवेंटेड। तो यहाँ पे हम जनरली क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बेल्ट एंड बेल्ट ड्राइव सिस्टम की। बेल्ट जो को क्या काम है, कंटिन्यूस बैंड है फॉर फ्लेक्सिबल मटेरियल पासिंग ओवर पुली ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन सॉफ्ट अंदर। इसके हम लोग टाइप देखें, यहाँ पर फ्लैट बेल्ट होता है, वी बेल्ट होता है, मल्टीपल बेल्ट होता है, फिर सर्कुलर बेल्ट होता है। फिर हमने देखा फ्लैट बेल्ट का कहाँ यूज होता है, फ्लैट बेल्ट यूज ऑफ सिंपलिसिटी और बिकॉज दे आर सब्जेक्ट टू मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑन द पुली। ये होते हैं लेदर के, रबर के, टेक्सटाइल के, पाल्टा और स्टील के। और फिर हम लोग बात करते हैं वी बेल्ट की। तो वी बेल्ट का जैसे भी आपने ऊपर डायग्राम देखा था, यहाँ पे सिस्टमेटिक डायग्राम इसका बना है, ए और बी डायग्राम। वी बेल्ट बेसिकली क्या कर रहा है, वी बेल्ट इज अ बेल्ट ऑफ ट्रेपोजाइडल सेक्शन। आप देख सकते हैं दिस इज अ ट्रेपोजाइडल सेक्शन, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी अलग अलग साइड्स के हैं और दे आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो वी बेल्ट इज अ बेल्ट ऑफ ट्रेपोजाइडल सेक्शन रनिंग ऑन पुली विद ग्रूव्स कट। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस आर द ग्रूव्स कट्स ऑफ मैच द बेल्ट। और जो नॉर्मल एंगल होता है बिटवीन द साइड्स ऑफ द ग्रूव इज 40 डिग्री। कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे वी बेल्ट आर यूजली मेड ऑफ फैब्रिक कोटेड विद रबर और दे आर साइलेंट एंड रेजिलेंट। दे आर यूज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट इज टू शॉर्ट फॉर फ्लैट बेल्ट ड्राइव ऑविंग टू द वेज एक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड साइड्स ऑफ द ग्रूव इन द पुली। द वी बेल्ट इज लेस लाइकली टू स्लिप, hence more power can be transmitted to the same belt tension। तो यहाँ पे आप देखते हैं V belt and this one is the pulley system arrangement। ये this one is the V belt diagram। round belt की बात करते हैं, तो round belts जो होते हैं are employed to transmit low power। round belts are employed to transmit low power mainly in instruments के लिए, table type machines के लिए, tools के लिए, machinery for clothing industry and हाउसहोल्ड अप्लाइंसेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं राउंड बेल्ट सिस्टम। राउंड बेल्ट बेसिकली क्या होते हैं, यूज फॉर सिंगलिंग एज अ रूल। दे आर मे बी मेड ऑफ लेदर की बन सकते हैं, कैनवास और रबर। द डायमीटर रेंज जो होगी इसकी 3 से 12 mm तक के बीच में होती है, यूजली जो होते हैं वो 4 से 8 mm तक लिया जाता है। इसका जो मिनिमम अलाउबल रेशियो होता है ऑफ डायमीटर ऑफ स्मॉलर पुली का टू द बेल्ट डायमीटर इज अबाउट 20 और रिकमेंडेड रेशियो इज द 30। तो दिस इज द बेल्ट ड्राइव सिस्टम। बेल्ट ड्राइव सिस्टम जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओपन बेल्ट ड्राइव सिस्टम और क्रॉस बेल्ट ड्राइव सिस्टम हम लोग